हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। हम एक्सरसाइज कर रहे थे 3.9, और 3.9 एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको करवा दिए थे। आगे करते हैं। और बेटा प्लीज़, आप जो फॉर्मूले हैं वो बार 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 रिवाइज करोगे ना, तब जाके आपको अच्छे से याद होंगे। आप सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 16 क्या कहता है कि 2 cos थीटा एक्स प्लस में 1/x है। 2 cos थीटा एक्स प्लस में 1/x है। कहते हैं प्रूव दैट 2 cos 3 थीटा एक्स क्यूब प्लस में 1/x³ आना चाहिए। ध्यान से सुनो, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू 1/2 x + 1/x हो जाएगी। कोस थीटा की वैल्यू 1/2 x + 1/x हो जाएगी। प्रूव दैट के रिजल्ट की मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली 2 cos 3 थीटा। और याद करो, कोस 3 थीटा का तो फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस में 4 sin³ थीटा। और बेटा कोस 3 थीटा का क्या होता है, 4 cos³ थीटा माइनस में 3 cos थीटा। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू है, आपको वैल्यू रख के सोल्व करना है। तो ये 2 तो मैंने पूरे से बाहर ले लिया, 4 as it is। कोस थीटा की वैल्यू है 1/2 x + 1/x, और इस पूरे का क्या करना है, क्यूब माइनस में 3। कोस थीटा की वैल्यू 1/2 x + 1/x, सोल्व कर लेते हैं इसको। 2 as it is, ये 4 as it is। ये बताओ, 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 आएगा, और अगर हम x प्लस 1/x का क्यूब खोलें तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab, x इंटू 1/x इंटू में ए प्लस में बी x + 1/x, और माइनस में आएगा 3/2 x + 1/x। ये आ गया। यहाँ देखो, ये कैंसिल किया 2 पे, और जब ये 2 अंदर आएगा तो ये जो 2 है ना, तो पूरे से बाहर था आपका, ये वाला जो 2 था ये पूरे से बाहर था। जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा, देखो ये वाला 1/2 यहाँ तक की टर्म के पास है, ठीक है, तो ये 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो टर्म है, अब वो टर्म हमारी क्या बनेगी, x³ + 1/x³। ध्यान से सुनो बेटा, ये 2 पूरे से बाहर था, लेकिन ये जो 4 था ना, 4 वो सिर्फ इस टर्म के पास था। यहाँ कैंसिल होने से ये जो 1/2 है ये इस टर्म के साथ है। जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ + 1/x³ हो जाएगा। इस x से x कैंसिल हो गया, और जब ये वाला 2 हम अंदर लेके आएंगे तो प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा, x³ के साथ x + 1/x, और माइनस में क्या था, 3/2 x + 1/x। ये वाला 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कॉमन निकालने के बाद कैंसिल कर देना, चाहे वैसे कर देना, कैंसिल हो जाएंगे दोनों टर्म। तो यहाँ देखो, प्लस का 3x + 1/x और माइनस का 3x + 1/x, तो आपका क्या बच गया, x³ + 1/x³। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, उसको राइट साइड के इक्वल दिखा दिया। उसके बाद देखो, इसका 17th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 2 sin थीटा की वैल्यू दे रखी है x + 1/x। यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखूँ तो 1/2 x + 1/x आएगी। पूछ क्या रहा है, क्या प्रूव करवा रहा है आपसे, कहते हैं sin³ + 1/2 x³ + 1/x³ क्या आना चाहिए, 0। तो वैसा ही क्वेश्चन है। आप क्या करना है, प्रूव दैट वाले की लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, और लेफ्ट हैंड साइड में जो sin³ है ना, उसका फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस में 4 sin³थीटा, और प्लस में ये जो टर्म है ये आप एज इट इज रहने दो। और जब साइन थीटा की जगह ये रख के आप सोल्व करोगे ना, तो कैंसिल होके आपका क्या आ जाएगा, 0। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो 18, ये कहता है टेन ए इंटू में 10π/3 - a, और इंटू में 10π/3 + a। क्या प्रूव करना है, tan 3a के इक्वल। थोड़ा सा याद करो,
टेन थ्री का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए ओवर वन अपॉन में वन माइनस थ्री टेन स्क्वेयर ए। देखो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े, टेन ए मैंने एज इट इज लिख दिया और यहाँ पर टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, तो क्या लिखा जाएगा, टेन पाई बाई थ्री माइनस में टेन ए अपॉन में वन प्लस टेन पाई बाई थ्री इंटू में टेन ए, और इसके अंदर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया क्या लिखा जाएगा, टेन ए प्लस में टेन बी अपॉन में वन माइनस ये टेन ए और इंटू में टेन बी। अब क्या करो, जहाँ जहाँ टेन पाई बाई थ्री है उसकी वैल्यू रख दो, कितनी होती है रूट थ्री, तो ये टेन ए तो एज इट इज, ये आएगा रूट थ्री माइनस में टेन ए, नीचे वन प्लस में रूट थ्री टेन ए, यहाँ पर रूट थ्री प्लस में टेन ए और नीचे वन माइनस रूट थ्री टेन ए। करो बेटा सोल्व, टेन ए एज इट इज, ठीक है, ऊपर मैंने यह आइडेंटिटी लगा दी a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वेयर रूट थ्री का स्क्वेयर थ्री और माइनस में टेन स्क्वेयर a आएगा, और नीचे भी आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वेयर यानी कि वन का स्क्वेयर वन माइनस में रूट थ्री का स्क्वेयर थ्री और टेन स्क्वेयर a आएगा। जब इस टेन a को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो थ्री टेन a माइनस में ये बनेगा टेन क्यूब a अपॉन में वन माइनस थ्री टेन स्क्वेयर ए। ध्यान से देखो बेटा फॉर्मूला लिखवा रखा आपको, ये टेन थ्री ए का फॉर्मूला है, ठीक है, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। और इसका जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम एंगल के साथ कोट है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही क्या करेंगे, सभी कोट की टर्म को वन अपॉन में करके और टेन की फॉर्म में लिख देंगे, टेन ए टेन पाई बाई थ्री माइनस ए टेन पाई बाई थ्री प्लस ए, ये जो किया ये कंप्लीट कर देना, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, टेन थ्री ए। जब वन बाई टेन थ्री ए को आप ऊपर लिखोगे तो राइट साइड क्या आ जाएगी, कोट थ्री ए, यानी कि आपको फर्स्ट करना है उसके साथ एक स्टेप और ऐड करना है, आपका सेकेंड पार्ट आ जाएगा। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, साइन ए इंटू में है साइन पाई बाई थ्री माइनस में ए और इंटू में साइन पाई बाई थ्री प्लस में ए, और किसके इक्वल प्रूव करना है हमें, वन बाई फोर साइन थ्री ए के, साइन थ्री ए ये दिखाना है हमें। देखो बेटा पीछे हमने 3.7 एक्सरसाइज पढ़ी, 3.8 पढ़ी, जिसमें प्रोडक्ट फॉर्मूले पढ़े थे, सीडी फॉर्मूले पढ़े थे, अब उनकी हेल्प लेंगे हम। देखो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड, और वहाँ से 1 बाई टू साइन ए को तो बाहर ले लिया और इस 2 को लास्ट की दो टर्म के साथ लेके फॉर्मूला लगा रही हैं, कौन सा, 2 साइन ए साइन बी का जो फोर्थ फॉर्मूला था, अच्छे से याद करना आपको, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी, तो पाई बाई थ्री माइनस ए माइनस पाई बाई थ्री माइनस ए, माइनस में कोस ए प्लस बी, तो पाई बाई थ्री माइनस ए प्लस में पाई बाई थ्री प्लस में ए, ये है। देखो बेटा पाई बाई थ्री से पाई बाई थ्री कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो वन बाई टू साइन ए तो एज इट इज, अंदर क्या रह गया कोस, माइनस का टू ए रहा लेकिन कोस नेगेटिव साइन को बाहर नहीं निकालता, और ये रह गया 60 प्लस 60 120 और कोस 120 की वैल्यू माइनस वन बाई टू होती, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई टू साइन ए इंटू में क्या है कोस 2a और प्लस में 1 बाई फोर साइन ए, ये आ गया, राइट साइड तो नहीं आई। यहाँ पर दोबारा से फॉर्मूला बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से डिवाइड, तो ये जो 1 बाई फोर बनाना ये तो हमने ले लिया बेटा बाहर, और यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा दिया, फर्स्ट फॉर्मूला 2 साइन ए कोस बी का, तो 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस में 2a क्या आएगा 3a,
प्लस में साइन ए माइनस में बी, तो ए माइनस टू ए माइनस ए आएगा और प्लस में वन बाई फोर साइन ए। और इस माइनस का ध्यान हमें क्यों रखना है, क्योंकि देखो कोस फंक्शन तो नेगेटिव साइन को बाहर नहीं निकालता, लेकिन साइन फंक्शन नेगेटिव साइन को बाहर निकालता है। और उसके बाद बाहर वाले 1 बाई फोर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 बाई फोर साइन ए से माइनस का 1 बाई फोर साइन ए कैंसिल हो जाएगा और जो टर्म हमारी बची वही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। ये था बेटा आपके 19th का फर्स्ट। उसके बाद देखो इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड में कह रहा है साइन थ्री ए प्लस में साइन टू ए, उसके बाद है माइनस में साइन ए। साइन थ्री ए प्लस साइन टू ए माइनस साइन ए इक्वल प्रूव करना है फोर साइन ए इंटू में कोस ए बाई टू और इंटू में कोस थ्री ए बाई टू। अब इस क्वेश्चन में आपकी मर्जी है, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे तो सी डी फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा और राइट साइड लेके चलोगे तो प्रोडक्ट फॉर्मूले से होगा, आप जैसे भी करना चाहो। देखो बेटा मैंने क्या किया, साइन थ्री ए था ठीक है, उसके साथ में साइन ए लिख लिया, सिर्फ इसलिए कि इन दोनों के एंगल का सम इवन बनेगा, तो जब टू से डिवाइड करें तो वो डिवाइड हो जाएगा, और प्लस में साइन टू ए को बाद में लिख दिया ठीक है। और यहाँ फॉर्मूला लगा दिया साइन सी माइनस में साइन डी का, जो सेकंड फॉर्मूला था क्या होता है, टू कोस सी प्लस डी बाई टू, तो ये आएगा टू ए, टू कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, वो आएगा साइन ए। और इस साइन टू ए के अंदर मैं 3.9 का ही फॉर्मूला लगा रही हूँ, फर्स्ट फॉर्मूला टू साइन ए इंटू में कोस ए। तो बेटा यहाँ से टू साइन ए कॉमन ले लिया तो अंदर हमारा कोस टू ए प्लस में कोस ए बच गया, तो ये टू साइन ए तो एज इट इज, और इसके अंदर कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगा रहे हैं जो सी डी फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कोस सी प्लस कोस डी का टू कोस सी प्लस डी बाई टू थ्री ए बाई टू इंटू में कोस सी माइनस डी बाई टू, तो क्या आएगा ए बाई टू। तो आप देख लो टू इंटू टू क्या बन गया फोर, ये रहा साइन ए कोस ए बाई टू और कोस थ्री ए बाई टू। तो ये था आपके 19th का सेकेंड पार्ट। अब देखो बेटा इसका थर्ड पार्ट, ये कह रहा है कोस स्क्वेयर ए प्लस में कोस स्क्वेयर ए प्लस में टू पाई बाई थ्री प्लस में कोस स्क्वेयर ए माइनस में टू पाई बाई थ्री, किसके इक्वल प्रूव करना है हमें थ्री बाई टू के ठीक है। थोड़ा सा याद करो, वन प्लस में ध्यान से सुनो, वन प्लस में कोस टू ए का फॉर्मूला टू कोस स्क्वेयर ए होता है। अगर मैं इस टू को यहाँ डिवाइड में भेज दूँ तो हम कोस स्क्वेयर ए को वन प्लस में कोस टू ए बाई टू लिख सकते हैं। इस चीज़ को कैसे याद करो कि भी कोस है ना तो बीच में प्लस आएगा, ये वन भी आएगा टू भी आएगा कोस भी आएगा और इस वाले एंगल का डबल आएगा। अब इसको देखते मुझे ये बताना, इस कोस स्क्वेयर ए को मैंने वन प्लस में कोस टू ए अपॉन में टू लिख दिया, तो आप समझ गए हो कहाँ से आया। अगर मैं इसको लिखती तो आपको किस बात का ध्यान रखना है, वन आएगा बीच में प्लस आएगा नीचे टू आएगा यहाँ कोस आएगा इस एंगल का डबल आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो इसका डबल आया था, क्या बनेगा डबल टू ए प्लस में, अब टू पाई बाई थ्री 120 डिग्री है उसका डबल करेंगे तो वो फोर पाई बाई थ्री बन जाएगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में अगर यही टर्म हम इसमें अप्लाई करते हैं तो वन प्लस आएगा नीचे टू आएगा यहाँ पर कोस आएगा एंगल का डबल, तो टू ए माइनस में फोर पाई बाई थ्री हो जाएगा। अब देखो वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू तीनों में से लेके ऐड कर दिया तो थ्री बाई टू बन गया। उसके बाद हमारे पास क्या क्या बचा, देखो वन बाई टू ले रही हूँ कॉमन, एक तो बचेगा बेटा कोस टू ए, एक बचेगा कोस टू ए प्लस में फोर पाई बाई थ्री, एक बचेगा कोस टू ए माइनस में फोर पाई बाई थ्री। और यहाँ पर हम सी डी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये थ्री बाई टू तो यूँ का यूँ, ये वन बाई टू एज इट इज, और एक काम कर लेते हैं
लास्ट वाली दो टर्म में लगा देते हैं यहाँ पे, कोस सी प्लस कोस डी का क्या होता है? कोस सी प्लस कोस डी, देखो टू कोस सी प्लस डी, जब इसमें ये ऐड करो तो फोर पाई बाय थ्री कट जाएगा, टू ए प्लस टू ए फोर ए, अपॉन में टू करेंगे तो टू ए आएगा, टू कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, तो अब की बार ये तो कट जाएगा, और फोर पाई बाय थ्री प्लस में फोर पाई बाय थ्री, फोर पाई बाय थ्री 240 डिग्री है, 240 प्लस में 240 तो 480, और डिवाइड में टू करेंगे तो फिर वो 240 ही आ जाएगा, आप चाहे डिग्री में रख लो चाहे रेडियंस में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कोस 240 डिग्री की वैल्यू रखेंगे, अब 240 के टुकड़े क्या करना, 180 प्लस में 60, यू बताओ 180 प्लस में सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है? नेगेटिव, और 180 के साथ चेंज नहीं होगा, तो ये क्या लिखा जाएगा? कोस 60 लिखा जाएगा, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। देखो बेटा, इस प्लस को माइनस मैंने क्यों लिखा, यहाँ से माइनस मिला, और इसकी वैल्यू 1/2 आई थी माइनस के साथ, ये कैंसिल होगी। अब कोस 2a प्लस कर ये माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा तो क्या बन गया? जीरो। तो राइट साइड क्या आ जाएगी? 3/2। ये था आपका थर्ड पार्ट। फिर देखो बेटा फोर्थ, पाई बाई एट, थ्री पाई बाई एट, फाइव पाई बाई एट और सेवन पाई बाई एट, ऐसा क्वेश्चन हमने 3.4 में पढ़ा था। इसी एक्सरसाइज में जो 14th क्वेश्चन था, 15th क्वेश्चन था, उसके अंदर भी सेम एंगल था, और अब दोबारा से आपका क्वेश्चन आ रहा है। देखो बेटा, साइन की पावर 4 पाई बाई एट है, प्लस में साइन की पावर 4 3 पाई बाई एट है, और तीसरी टर्म साइन की पावर 4 5 पाई बाई एट है, और हम 5 पाई बाई एट को पाई माइनस में 3 पाई बाई एट लिख सकते हैं। याद करो, इसको डिग्री में बताया था, 22.5 डिग्री, 67.5 डिग्री, 112.5 डिग्री, तो अगर हम 180 में से 67.5 डिग्री माइनस करेंगे तो 112.5 डिग्री बच जाएगा, प्लस में साइन की पावर 4 7 पाई बाई एट को हम पाई माइनस पाई बाई लिख सकते हैं। 157.5 डिग्री एंगल अगर लिखना है तो 180 में से 22.5 क्या कर दिया? माइनस। राइट साइड क्या प्रूव करनी है? 3/2। यू बताओ, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, अब सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, पाई के साथ चेंज नहीं होगा, तो ये साइन की पावर 4 3 पाई बाई एट आएगा, और ये साइन की पावर 4 पाई बाई एट आएगा, और साइन की पावर 4 पाई बाई एट एक पहले से है, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन की पावर 4 पाई बाई एट, और 2 टाइम्स ही साइन की पावर 4 3 पाई बाई एट, और फिर मैंने उन दोनों में से 2 क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अब सुनो, अब बात यह आती है कि भाई पाई बाई एट का दुगना, 22.5 का डबल होता है 45, जिस पर हमें वैल्यू आती है, और 3 पाई बाई एट हमारा 67.5 है, उसका डबल होता है 135। रेडियंस में नहीं समझ में आ रहा, आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो। डबल की वैल्यू अगर हमें पता है तो देखो, साइन की पावर 4 को साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर लिखेंगे, साइन स्क्वेयर पाई बाई एट का स्क्वेयर, प्लस में साइन स्क्वेयर 3 पाई बाई एट का स्क्वेयर, ठीक है, जो मैंने इस क्वेश्चन में किया था ना, अब हम वही कर रहे हैं। ये 2 तो बार, क्या मैं इसको, देखो 1 माइनस, बेटा कोस होता है तो प्लस आता है, साइन होता है तो माइनस आएगा, और इस एंगल का डबल आएगा, पाई बाई एट की 2 से मल्टीप्लाई कर लो, पाई बाई 4 आ गया, और नीचे 2, और ये कौन सा स्क्वेयर है? ये वाला प्लस। अगर इसको लिखते हैं तो 1 माइनस कोस, इसका डबल 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास 2, और उस पूरे का क्या आएगा? स्क्वेयर। अब कुछ नहीं रहा, देखो बेटा 2 तो बाहर, 1 माइनस कोस 45 1/√2 होता है, नीचे 2 उसका स्क्वेयर है, प्लस में 1 माइनस कोस 135 डिग्री माइनस 1/√2 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, नीचे 2 उसका स्क्वेयर। आप इसको जब सोल्व करोगे तो सोल्व होके क्या मिलेगा आपको? 3/2, जो इसकी क्या है? राइट हैंड साइड। अब देखो बेटा, इसमें ये आपके 19th क्वेश्चन तक हो गए, उसके बाद हम कर रहे हैं 20 क्वेश्चन। वही बार बार हम सीडी फॉर्मूले, प्रोडक्ट फॉर्मूलों का यूज करने लग गए, वही बात है, पीछे का जो हम पढ़ चुके हैं उन फॉर्मूलों का यूज़ तो हम कर सकते हैं। अब आपको सारे के सारे फॉर्मूले, पीछे के सारे फॉर्मूले याद होंगे ना, तब आपको अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आएंगी, वरना फिर आपको दिक्कत रहेगी इनके अंदर।